करूं, क्योंकि बहुत ही काम की चीज है और बहुत ही जरूरी चीज है जो एक रैबिट के एरिया में, एक खरगोश के एरिया में होनी चाहिए। तो मैं कुछ सब्जी वब्जी लेने गई थी, पास में ही गई थी, और मुझे वहां पे एक शॉप दिखी जिसके पास बहुत अच्छा सारा सामान, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, और मैं वहां से कुछ दो चीजें लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल आइटम है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास रैबिट से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसको प्रेस करना जरूर याद रखें, क्योंकि उसी से सारी नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी रैबिट से रिलेटेड। और दोस्तों, की बहुत सारे लोग क्वेरीज कर रहे हैं अभी भी, तो मेरे चैनल पे मैक्सिमम बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्लीज पहले उस पे एक बार जाकर चेक कर लीजिए कि क्या वीडियो है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और क्या चीज होनी चाहिए। तो आप प्लीज एक बार वीडियो को जरूर देखें, सारी वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट बना रखी है और धीरे धीरे बाकी और भी चीजें नॉलेज भरी मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी मार्केट गई थी और मैं वहां से क्या उठा लाई हूँ। मैं सब्जी लेने गई थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज लेकर आई हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो मैंने वहां से चीज ली वो है एक ये। अब आप बोलोगे यार ये तो एक नॉर्मल सा स्टूल है। सी, आई एग्री कि ये नॉर्मल स्टूल है जिसको हम आई थिंक पटरा या पटरी कुछ समथिंग बोलते हैं हिंदी में, और ये वॉशरूम में भी कई लोग यूज करते हैं, बट ये थोड़ी सी ऊंची है, ये नॉर्मल नहीं है। और द क्वालिटी ऑफ दिस प्लास्टिक इज डैम गुड, ये मुझे बहुत ही सस्ती मिल गई। और कलर मैंने वाइट चूज किया बिकॉज आई लव वाइट कलर, आप कोई भी कलर ले सकते हो, ये लोकली बहुत इजीली अवेलेबल है, ये अच्छे ब्रांड की है। उसने बोला कि मतलब इस पे 100 kg तक आराम से वेट ले लेगा, बट मुझे इतना वेट का तो कुछ करना नहीं है। एक्चुअली ये हाइडी हाउस में यूज हो सकता है और कुछ स्टेपर बन सकता है, मतलब सीढ़ी टाइप में, जिनके बेड्स ऊंचे हैं वो अपने रैबिट्स के लिए ऐसा कुछ रख सकते हैं बेड के पास, ताकि रैबिट एक स्टेप उस पर चढ़कर देन आपके बेड पे चढ़े, उससे उसके पैरों में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर रैबिट जैसे यंग रैबिट होते हैं तो वो डायरेक्ट जंप मारते हैं, तो आगे आगे आने वाली एज में ऐसे उनके बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे मेरा एक बेड है वो तो बहुत नीचा है, वो लो राइज वाला बेड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो मेरा दूसरा बेड जिसको मैंने अभी हटा रखा है वो बेड मेरा ऊंचा है, तो जब मैंने वो बेड लगा रखा था और चेरी उस रूम में रहता था, देन मैंने ऐसा ही एक ऐसा नहीं दूसरी चीज लगा रखी थी, वो भी मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं दो चीजें लेकर आई हूँ। और जब भी आप इसको रखें, इसके ऊपर एक कपड़ा रखें, क्योंकि ये स्लिपरी होता है एरिया, तो कपड़े के साथ क्या होता है ग्रिप थोड़ी अच्छी बन जाती है, देन उनका इतना अच्छा, तो देखो नीचे भी बैठने का हो गया, तो ये उनका हाइडी हाउस का भी काम करेगा, प्लस ऊपर भी उनको स्टेपर भी बन जाएगा, तो ये 2-in-1 काम बहुत ही अच्छा करेगा और दिखने में भी बुरा नहीं लगता। क्योंकि कई बार आप देखें कि कार्डबोर्ड्स ना ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जिसके भी रैबिट्स कार्डबोर्ड ज्यादा खाते हैं वो कार्डबोर्ड हटा दे उसके प्ले पैन से या उसके सेटअप से, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत अगर कार्डबोर्ड खा रहे हैं तब तो चलेगा, बट अगर आपके रैबिट्स कार्डबोर्ड बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपको कार्डबोर्ड वहां से हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो कार्डबोर्ड उनके पेट में जाके जम जाएगा, जिससे वो जीआई स्टेटस में जा सकते हैं और कोई भी सिचुएशन खराब से खराब आ सकती है। तो अगर थोड़ा बहुत खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कार्डबोर्ड की चीजें भी दे सकते हो खेलने के लिए। अगर वो कार्डबोर्ड ही बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब एक दिन में आप देख रहे हो भैया उसकी तो शक्ल चेंज कर दी कार्डबोर्ड के हाइडी हाउस की, तो आप कार्डबोर्ड के हाइडी हाउस ना रखें। तो एक तो ये चीज मैं परचेज करके आई हूँ, ये आई थिंक मुझे 250 अराउंड मिली है और क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इनके एरिया में कहीं यूज नहीं करती हूँ इनकेस, तो मैं अपने लिए भी यूज कर सकती हूँ, लाइक बालकनी में भी सेटिंग बना सकती हूँ, कुछ भी मैं इसका क्राफ्ट वर्क में भी यूज कर सकती हूँ। तो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी, इसके ऊपर ऐसे करके एक स्माइली बना है और मुझे काफी अच्छा लगा, प्लस ये हाइडी हाउस का काम करेगा। मुझे कुछ भी ऐसा दिखता है ना तो मुझे सिर्फ हाइडी हाउस याद आता है कि उसके ऊपर मैट बिछा दूंगी और वो सुंदर सा हाइडी हाउस बन जाएगा। तो जो नेक्स्ट मेरी परचेज है, दूसरी परचेज, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर। और फ्रेंड्स, जो मेरी दूसरी परचेज है वो है ये, इस बॉक्स में आया है, चलिए निकाल के मैं दिखाती हूँ। ये है इस टाइप का एक बेड पे रखने वाला स्टडी टेबल बोल सकते हैं हम, जो बच्चों के लिए यूज होता है, प्लस इसमें आप अपना लैपटॉप बेड के ऊपर इसको रख कर देन काम भी कर सकते हो। तो अब आप सोचोगे मैं ये क्यों लेकर आई हूँ, तो फ्रेंड्स जो मैं अभी चेरी और मफिन के रूम में यूज कर रही हूँ वो यही वाले हाइडी हाउसेस हैं। आपने शायद मेरी वीडियो में नोटिस नहीं किया हो, माइट भी हो सकता है, बट
मैं यही वाले हाइडी हाउसेस यूज कर रही हूँ बहुत टाइम से। चीकू के पास मैंने खुद का बनाया हुआ हाइडी हाउस रखा है, लिविंग रूम में वो डबल स्टोरेज वाला हाइडी हाउस रखा है, और ये वाला जो है ये मेरे चेरी और मफिन के एरिया में हाइडी हाउस यही वाले रखे हैं। सेम इसके ऊपर भी आपको कपड़ा बिछाना पड़ेगा या अच्छा टावल बिछाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये ना एक बहुत अच्छा बेड टाइप बन जाता है। तो मफिन तो क्या करता है, इसके ऊपर चढ़ के ही सोता है, क्योंकि इसका जो साइज वगैरह है बहुत ही परफेक्ट है एक रैबिट के हिसाब से। तो मफिन इसके ऊपर सोना बहुत पसंद करता है। मैं कॉटन की बेडशीट बिछाती हूँ इसके ऊपर, ताकि मफिन सोए तो गर्मी में उसको प्रॉब्लम नहीं हो। उसको इसके ऊपर सोना बहुत अच्छा लगता है, और ये परफेक्ट साइज है हाइडी हाउस के लिए। वुडन का है, नीचे लोहे के इसके पैर हैं जो फोल्डेबल हैं, बट आप थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे कभी भी उनको हार्म होगा। मतलब मेरे रैबिट्स तो ऐसा कुछ नहीं करते कि उसको उनको हार्म हो, और बहुत अच्छी फिनिशिंग वगैरह, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि मेरे पास दो ऑलरेडी हैं, मैं फिर भी एक लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक चीकू के रूम को शायद थोड़ा मेकओवर करूँ, तो मैं कुछ हाइडी हाउसेस ले लेती हूँ। मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं कुछ बनाऊँ, और पर्सनली बताऊँ तो मुझे हाइडी हाउसेस हमेशा वो अच्छे लगते हैं जो ऊपर से ऐसे स्मूथ होते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत अच्छा लगता है ऊपर चढ़कर सोना। और फ्रेंड्स, हाइडी हाउसेस क्यों चाहिए हमारे रैबिट को? तो फ्रेंड्स, हमें हाइडी हाउसेस की क्यों जरूरत होती है, ये सब चीजें हम क्यों रखते हैं एक रैबिट के एरिया में, जिस टाइप से ये मैंने एक हाइडी हाउस बनाया है, तो हमें हाइडी हाउसेस की जरूरत क्यों होती है रैबिट के एरिया में, ये शायद मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने प्ले पेन सेट करना बताया था, मैं उस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। प्लस जिस वीडियो में आई थिंक मैंने कुछ रूम टूर करवाया था इनका, मैं उस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हाइडी हाउस क्यों चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइडी हाउस हमें इसलिए चाहिए होते हैं, एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि पहली चीज, रैबिट आते ही आपसे बॉन्ड नहीं होता, वो थोड़ा सा आप लोगों से घबराता है, इसलिए बॉन्डिंग का कैसे करना है हमें रैबिट के साथ ये वीडियो भी मैंने बना रखी है। दूसरा, एस यू नो कि रैबिट्स प्रे एनिमल होते हैं, और उन्हें कभी कभी तेज लाउड आवाज से या कुछ भी ऐसी आहट से एक डर लगता है, और वो अपने एक सिक्योर प्लेस पे बैठना पसंद करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। गिनी पिग्स में भी सेम चीज होती है, रैबिट्स में भी सेम चीज होती है, सिर्फ ये, बाकी मैं गिनी पिग्स के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है और मेरे को उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो दूसरी चीज कि जब रैबिट्स डरते हैं किसी भी ऐसी चीज से, तो वो हमेशा एक अंधेरे वाला एक कॉर्नर सा जो ढका हो ऊपर से नीचे से और टू वे हो, वैसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं, और उनको लगता है कि हम सेफ हो गए हैं, हम सुरक्षित हैं यहाँ। तो आप कभी भी नोट करना, जब आपके रैबिट्स डरते हैं तो वो सोफे के पीछे, बेड के नीचे, काउच के पीछे, और वो सोते भी मैक्सिमम ऐसी ही जगहों पे है जहां अंधेरा हो और थोड़ा सा मतलब कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। रैबिट्स ऊपर क्यों सोना पसंद करते हैं, इसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली रैबिट्स थोड़ा सा हाइट पे सोना पसंद, इसलिए हाइट मतलब बोले तो ये नहीं आप सोचो कि 3-4 फीट ऊपर सोएंगे, मतलब जैसे बेड के ऊपर सोना या जो मेरा काउच रखा है उसके ऊपर हाइडी हाउस और चीकू उसमें क्यों सोता है, कि रैबिट्स अपने जो रैबिट्स की आईज होती हैं वो साइड में देखती हैं, ऊपर देखती हैं, बट फ्रंट में नहीं देख पाती हैं, क्योंकि उनकी आईज साइड में होती हैं। तो वो ऐसी जगह पे सोना पसंद करते हैं जिससे वो साइड में भी देख सके, कि अगर कोई भी हलचल होती है फटाक से भाग जाए। ये उनके नेचर में है, भगवान ने, कुदरत ने उन्हें इसी तरीके से बनाया है। तो आज का वीडियो सिर्फ इसलिए था कि मैं ये दो चीजें लाई थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, कि अगर आप कार्डबोर्ड का हाइडी हाउस नहीं देना चाहते, तो इस टाइप के हाइडी हाउसेस जो होते हैं ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्लीनिंग में भी कंफर्टेबल है। दूसरा, ये टेंशन भी नहीं है कि वो आपके रैबिट इसको खाएंगे, च्यूइंग करेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, उसमें भी बहुत अच्छा है। बट मैंने कईयों से सुना है कि उनके रैबिट्स प्लास्टिक तक खा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक रैबिट्स क्यों खाते हैं? क्योंकि आप उनको च्यूइंग टॉयस नहीं दे रहे हो, आप उनको न्यूट्रड नहीं करवा रहे हो, आप उनको हे नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप हे प्रोवाइड नहीं कर सकते, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं, आप घास दो, सूखी घास दो। घास से हे कैसे बनानी है, ये वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो बिल्कुल ही फ्री में आपके पास अवेलेबल हो सकती है। घास तो हर जगह होती है यार, घास कहाँ नहीं होती।
तो घास से आप हे बनाकर दो। हे क्यों सही है? क्योंकि उनके दांत ट्रिम होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी इस वीडियो में वो सब बातें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ हाइटी हाउस के कुछ आइडियाज दे रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने चेरी और मफिन के पास ये ऑलरेडी जो रखे हुए दो हाइडी हाउस है, ये किस टाइप से लुक देता है और कैसे मैंने उनको सेट कर रखा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं दूसरे रूम में आई हूँ और ये देखिए, ये वही वाला टेबल है एक और मेरे पास, जो मैंने इस टाइप से लगाकर ऊपर, मैंने बताया था बेडशीट रखी है कॉटन की, और इस टाइप से मैंने हाइडी हाउस बनाया है। तो ये मैक्सिमम इसके नीचे जाके सोना पसंद करते हैं, तो इस टाइप से आप हाइडी हाउस में चादर वदर लगाकर अच्छे से बना सकते हो। मैंने आगे ये भी रख दिया ताकि और उनको थोड़ा सा मतलब वो अंधेरे वाला टाइप में लगे। तो ये मैंने चेरी वाले एरिया में रखा है, दूसरा सेम इसी टाइप से मैंने ये मफिन के एरिया में रखा है। देखिए ये ऊपर गुआवा स्टिक है, इन्होंने खाई नहीं, ये ऐसी ही रखी है, और ये रहा मफिन। माफू, हेलो बेबी, मुंह पे क्या पड़ा है आपके ये? फ्रेंड्स इस टाइप से मैंने, जैसे अभी आपको मैंने सेकंड रूम से दिखाया, इस टाइप से मैंने इनके हाइडी हाउसेस सेट किए हैं, और आप बहुत ही अफोर्डेबल, हाँ ये वाला टेबल जो है ये भी मुझे 250 का पड़ा, तो मुझे बड़ी अच्छी डील लगी और मुझे लगा कि यार अगर मैं इनको यहाँ यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उन दोनों के हैं, चीकू के भी पास मेरे दो रखे हैं, चीकू कार्डबोर्ड भी नहीं खाता अपने रूम में, तो वो कुछ भी गलत नहीं करता, गलत बोले तो मतलब इधर उधर गन फैलाना बाहर जाके जरूर कर देता है, इधर का वाला कार्डबोर्ड वाला बॉक्स भी नहीं फाड़ता, पता नहीं क्यों उसके दिमाग में फिक्स है कि ये मेरा कमरा है इसको साफ रखना है। तो आज देखो मैंने चीकू की प्लेट में क्या है, ये है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल, ये है जो चीकू महाराज ने खाया नहीं, उन दोनों ने खा लिया है, यही बैठा हुआ मेरे पास ही बैठा हुआ अभी वीडियो बनाते हुए, और ये नहीं खा रहा, ये आराम से रात में खाएगा सोने से पहले, तसल्ली से चीजें, अभी भी उसको स्मेल कर रहा है। एक्चुअली पूजा में मैंने चढ़ाए थे तो इनको एक छोटा छोटा फूल दे दिया, सेफ है, बट आप वही है, इसको एज अ ट्रीट दे सकते हो हफ्ते में एक या दो बार, बस इतना ही। मैरीगोल्ड गेंदे का फूल साफ करके धोकर अच्छे से। तो दोस्तों ये दोनों हाइडी हाउस दिखाते जाते, मैंने छोटे 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 टिप्स भी देती रही आपको जो बहुत यूजफुल है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए अपने फरी बेबीज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।